ओके okay, जी स्टार्ट करते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पहले अपना क्वेश्चन सोच लीजिएगा और उसको लिख के अपने पास रख लें आज के लेक्चर से रिलेटेड और जब आपका क्वेश्चन वो आपको लगे कि नाउ इट्स रिटर्न एंड फाइनलाइज तो फिर आप अपना हैंड रेज करें एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन रीजन ये है कि आपको हम सभी सुन रहे हैं तो कोशिश यही है बेहतर कि आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछें इधर उधर की बातें हम ना करें और सभी का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो सो वी विल स्पेंडिंग अराउंडीन मिनट फॉर आंसर क्वेश्चन आंसर से आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछें आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी जी वाल अभी जो आप जब कोर्ट में क्लासीफाइव से रिलेटेड आप जब ये एलगोजर अप्लाई कर रहे थे तो यू एक्चुअली टू दिट कर रहे थे तो आपने ड्रॉप किया था एक्स में उसमें आपने जो फीचर लिया था वो सेक्स

पहला क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं ये रिसर्च स्टडी में आता है डेटा टू तो डेटा है हमारे पास डेटा में कोई डिपेंड नहीं है कोई इंडिपेंडेंट नहीं है फिलहाल हम उसको मल्टी को देखते हैं कि अगर कोई एक लिंक दूसरे लिंक के साथ या एक डेटा दूसरे डेटा के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है हम तब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तब यूज होता है जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं जहां पर डिपेंडेंसी का रूल है ठीक है जब हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लाइक स्पोर्ट वेक्टर मशीन या कुछ और की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली हम किसी भी एक फीचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी एक फीचर को टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को हम उठा के एट द एंड प्रोडिक्शन पे लेके जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसको प्रोडिक्ट करने के लिए वो जो उसकी वैल्यू है वो बेसिकली हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना जरूरी है ठीक है दीज आर ऑल कॉलम्स और कॉलम्स की बेस पे हमने डिसाइड किया कि फीचर्स किन को रखना है और लेबल्स किन को रखना है अब यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। हम फीचर्स और लेबल्स को इसी वजह से हम कंसिडर करते हैं क्योंकि फीचर्स का मतलब है कि जिन लोगों ने प्रिडिक्ट करना है किसी एक लेबल को और लेबल वो कोई भी हो सकता है वो येस और नो हो सकता है वो एक वैल्यू हो सकती है वो वो वाला फीचर हो सकता है जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल था इट कुड भी लेकिन जब लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तब एक का इंडिपेंडेंट और दूसरे का डिपेंडेंट होना जरूरी है एंड दैट पॉइंट ठीक है अब अगर आप गौर करें हमारी एक्यूरेसी पे कितनी आई है इज नॉट रियली गुड एक्यूरेसी तो दैट कुड बी द रीजन कि हमारे जो फीचर्स हैं उनका लिंक ही कोई नहीं बन रहा मेल या फीमेल के साथ समझ रहे हैं बात को सो so, हम कर कुछ भी सकते हैं लेकिन एट द एंड अगर वो वाली चीजें यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रोल ना अप्लाई हो रहा हो तो मॉडल को एक्यूरेसी की तरफ लेके जाना मुश्किल हो जाता है अगर ये डिपेंड कर रहा होता है जैसे कल आपका alive वाला और survive वाला बिल्कुल साथ साथ थे उसने एक ही के के अंदर वो सारे के सारा decision हमें दे दिया सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट केस कि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे कंसिडर करना है जी और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आ, फीचर की रैंडमनेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किन फीचर्स को आगे लेके जाना है एक टॉपिक हमारा हम पढ़ेंगे जब हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को कवर कर लेंगे वो टॉपिक का नाम है फीचर इंजीनियरिंग या फीचर सिलेक्शन ठीक है सो हम टॉप नॉच के फीचर कैसे सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से पैरामीटर उस पर काम करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइगन वैक्चर्स आइगन वैल्यूज की वैल्यूज की बेस पे पी एनालिसिस की बेस पे टिजनी एनालिसिस की बेस पे एस की बेस पे एंड अंदेर आर मेनी अदर मैटर्स जिनकी बेस पे हम टॉप नॉच के फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं वो फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं आप खुद से जैसे मैंने एक्स में सारे फीचर दे दिए आप मल्टीपल तीन से चार फीचर दे के भी इसको रन कर सकते हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी ऑब्वियसली अच्छी आएगी क्योंकि जब कम फीचर होते हैं लेस डायमेंशन वाला डेटा है आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है जब ज्यादा फीचर होते हैं तो आपको एक्यूरेसी कम होती जाती है क्योंकि हर एक का इंपैक्ट उसमें काउंट होता है सो यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ इट्स वेरी इजी ओके थैंक यू वेरी मच जी दानिश

इनपुट हम लेंगे तो हम जब डिस्प्ले करेंगे उसका आउटपुट होगा तो अलग से ही निकलेगी दो 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 कॉलम्स ही आएंगे हमारे पास आउटपुट के नहीं मुझे आपकी ये बात नहीं समझ आ रही कौन से मॉडल हमने दो सेव किए पहली बात तो ये एक रिग्रेशन का है एक ये भी सेव नहीं किए एक रिग्रेशन का है एक हाँ। का आ गया हमारा क्लासिफायर तो हाँ। हम अब इन दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते प्रोडक्शन में बिल्कुल आप में ये इनको सेपरेट सेपरेट कंसीडर करेंगे इनको कभी भी आप ये अच्छा, नहीं अच्छा. ये एक ही मॉडल है मैंने समझाने की वजह से आपको सेम नाम उसके रख दिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बताता हूँ आपने यहाँ पे इनका नाम चेंज कर लेना है ये सेपरेट मॉडल है अब जब मैंने नीचे वाला कोड रन किया ना तो ये बेसिकली क्लासिफायर से रिग्रेशन हो गया था अब इसको मैं अगर मॉडल अंडर स्कोर सी एल लिख देता हूँ तो ये सिंपली हमारा क्लासिफायर हो गया Underscore cl ठीक है मैं आपको भी समझाता एक मिनट मैं आपको सही. बताता हूँ यहाँ पे हम इसको रेग बोल देते हैं मॉडल अंडरस्कोर रिग्रेशन मॉडल अंडरस्कोर रिग्रेशन ठीक है हमने ये कर दिया इसको और ऊपर हमने क्लासिफायर कर दिया मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्लासिफायर आ गया सही इसको रन करता हूँ तो ये हमारा रिग्रेशन वाला सेव हो गया सो नाउ वी हैव टू सेपरेट मॉडल्स तो दोनों सेपरेट ही चलेंगे कभी है। भी एक मॉडल क्लासिफायर और दूसरा अलग ही सकता अलग ही रहेंगे ये कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों स्ट्रेटेजी डिफरेंट है ना अलग अलग ही यूज होंगे एग्जैक्टली प्रोडक्शन में अलग अलग लग ही यूज होंगे अच्छा एक बात याद रखे प्रोडक्शन में कैसे लेके जाते हैं आपकी ऐप एक ही बनेगी फ्रंट एंड पे ठीक है लोगों को यही लगेगा एक है लेकिन बैक एंड पे आप दो मॉडल सेम होंगे अलग मॉडल चल रहे होंगे ठीक है समझ आ गई आप समझ आ गई ठीक है जी राजा हरिस अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने मॉडल मॉडल को रन किया था तो एक्यूरेसी इसकी आई थी सिक्सटी वन परसेंट तक तो हम ये एक्यूरेसी मतलब इतनी अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो तो इसको बढ़ाना बढ़ाएंगे कैसे मतलब सेवेंटी तक लेके जाना है या सेवेंटी तक या एटी तक बिल्कुल ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी और उससे पहले भी बताया कि वो स्टिल नीड टू लर्न हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के होती क्या है वो और बेस्ट एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है पहला काम तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का है कि स्टार्ट में आप फीचर ही वो लेके आए जो आपके डेटा के बिल्कुल लिंक करते हैं यानी कि वो कुछ सेंस बना रहे हो पहला काम वो होगा जारी बात है डेटा प्री प्रोसेसिंग देन फीचर सिलेक्शन फिर उसके बाद आपके मॉडल का काम आता है और मॉडल भी हमेशा रेंडम फ्रेस्ट ने ही अच्छा नहीं चलना और ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा है और ये हमें सौ तक ले जाएगा नहीं यह डेटा पे भी डिपेंड करता है कि कितना उसमें रेंडम है डेटा के अंदर और कैसे ये उससे सीखता है सो वी नीड टू फॉलो मेनी स्टेप्स जिसमें प्री प्रोसेसिंग है सेकेंड आपका डेटा का फीचर सिलेक्शन है थर्ड वन इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग

सर ये हमने जब लेबल इनकोडिंग की है क्लासिफिकेशन करते वक्त तो हमने जीरो और वन असाइन कर दिए हैं सेक्स वाले कॉलम्स में अगर हम बात करें तो, तो हमें किस तरह सर पता चल रहा है कि सेक्स को में मेल में मेल को कौन सा असाइन हुआ है जीरो असाइन हुआ है या वन असाइन हुआ है ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप जो इनकोडिंग कर रहे हैं ना इन सभी को एक सेपरेट कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं कि सारे के सारे कॉलम की इनकोडेड वैल्यूज सेपरेट में सेपरेट कॉलम में ऐड हो जाए तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है सेकंड एक रूल होता है जिसको इनवर्स कोडिंग बोलते हैं ठीक है इनवर्स क्या होता है कि जैसे आपने मेल को जीरो बोला मेल को वन बोला फीमेल को जीरो बोला आपके पास इसका जो इंस्टेंस है वो सेव हो जाए उसी से आप दोबारा से वापिस आ जाए ये हम मशीन लर्निंग की ऐप के अंदर ये करेंगे जब हम ऐप को डिलीवर करेंगे ऐप को फाइनलाइज करेंगे उसमें ये रोल्स यूज होंगे सर कोई पाइथन का कोड है जो ये डीकोड कर सकता है ताकि हमें भी रियलाइज हो सके बिल्कुल बिल्कुल आप खुद क्रिएट गर... कर सकते हैं ना स्टार्ट में आपने जब कैटेगरीज़ को कन्वर्ट किया है तो आप अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है और इसकी बेस पे चलते रहो सिंपल ओके सर थैंक यू ऑरजिनल कोडिंग इनकोडिंग याद है आपको जब मैंने वन टू थ्री आपको पढ़ाया था और वहाँ पे मैंने बकायदा आपको करके दिखाया था कि ये मंडे को मैं थर्सडे को मैं पहला पहला इंस्टेंस दे रहा हूँ फ्राइडे को सेकंड सैटरडे को थर्ड और फोर्थ दे रहा हूँ संडे को तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वन टू थ्री फोर इस तरीके से हम चले थे इसी तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं ये खुद से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसका बेस्ट तरीका बताऊँ क्या होता है आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं इनकोडिंग करना ज़रूरी नहीं है

तो पहला जो क्वेश्चन है ना वो आपने डेट नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज करने के लिए एक असाइनमेंट भी दी थी तो उसमें ना मैंने दो तीन बल्कि चार पैटर्न उसमें अप्लाई किए आमतौर पे जो आपने बताया था ना उसमें स्लैश और डैश का जो था ना डिफरेंस था जो वो पिक करके उसको नॉर्मलाइज कर देता था मैंने इसमें एक स्टेप आगे जाकर ईयर को शुरू में लिख दिया और उस डे को आखिर में लिख दिया और स्लैश के साथ भी ऐसा कर दिया और डैश के साथ भी ऐसा कर दिया तो तो उसमें से कुछ तो उसने कर कर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पांडास के अंदर डेट टाइम का डेटा सेट होता है पांडास की अगर वो टेन पांडास आप जाएंगे ना वहाँ डेट टाइम सेट है उसको कैसे डील किया जाता है वो तकरीबन तो तीन से चार मिनट आपके लगेंगे उसको स्टडी कर लें ठीक है, है? अच्छा लिए जो मैंने आपको पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस की थर्ड एडिशन बुक का लिंक दिया था स्टार्ट में, अब वहां पे जाके उसका भी डेट एंड टाइम सर्च बार में लिखेंगे तो आपको सारा वो आ जाएगा सो so, ये तीन चार स्टेप एंड डेट एंड टाइम को पहले समझना जरूरी है कि किस रोटेशन में पांडास के अंदर चलती है क्योंकि हम पांडास डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं अच्छा दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर ये है कि आपने जो वैल्यूशन मेडज हम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए या uh, के लिए तो उसमें उसकी थोड़ी सी इंटरप्रटेशन अगर बता देंगे जो एफ वन है प्रसिजन है या कॉल है वो जो सपोर्ट आपने जो उसके हवाले से बताया उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन हमें बता दीजिए लिंक बता दें जहाँ तक उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं

कोई बेंच मार्क नहीं है। कोई study कोई study study नहीं नहीं बेंच ये स्टडी है मैं आपको बताता हूँ आया था ना तो उन्होंने ये तो नहीं बताना किसी को कि हमारा जो मॉडल है वो एटी परसेंट एक गलत हो जाएगी उन्होंने कहा बोला कि हमारा जो मॉडल है इसके अंदर ये 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 अच्छी चीजें ये 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 खामी है तो बेंच मार्किंग कैसे की जाती है मॉडल्स की जब आप डिप्लॉय कर देते हैं ना तो आपका मॉडल किसी और के मॉडल के साथ बेंच किया जाता है देर इज नथिंग हंड्रेड कोई भी हंड्रेड परसेंट नहीं है आप चैट जी को पांच छह दफा कोई चीज ट्रेनिंग में लगाए ना वो वो को भी बोलेगा ठीक हाँ। है वो लोगों ने ऐसे किया भी था सो so, वो क्यों हो रहा था क्योंकि उसमें एक के चांसेस बहुत कम है रीजन ये है कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है ये डिपेंड करता है आपने उसे करवाना क्या है अगर तो मेडिकल एनालिसिस आपने करवाना है तो भाई 99 परसेंट भी कम है ठीक है लेकिन अगर आपने सिंपल कोई स्पोर्ट्स की न्यूज के बारे में कोई एनालिसिस करना है कि बाबर आजम कितने स्कोर पे आउट होगा अगर बॉल सीधा पेस पे इस तरीके से उसको फॉर एग्जांपल यॉर्कर पड़ेगा तो क्या करेगा वो तो इस तरह का एनालिसिस करना है जिसका नुकसान कोई नहीं है एनालिसिस है तो सिक्सटी परसेंट एक भी ठीक है क्योंकि उसके चांसेस तकरीबन हाँ या ना में इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन क्या आप करके ठीक है और ये कंपनीज डिसाइड करती हैं कि कितना एक्यूरेट होगा फिर हम डिप्लॉय करेंगे मिसाल के तौर पे स्पॉटिफाई एक ऐप है और इसके ऊपर प्रॉपर सीरीज भी है नेटफ्लिक्स के ऊपर वो उन्होंने जब ये ऐप डेवलप की थी ना तो उनका रिएक्शन टाइम जो था वो उनकी एक्यूरेसी थी कि कोई बंदा जब किसी कवाली नात या सॉन्ग किसी चीज पे क्लिक करता है कितनी देर बाद वो उसको प्ले में आता है और वो मिली सेकेंड्स पर लड़ रहे थे ठीक है तो उनके लिए एक्यूरेसी ये है कि कितनी जल्दी चीज जाती है हमारे लिए एक्यूरेसी क्या होगी कि हमने कोई सर्च मारा और वही चीज सामने आ जाए ठीक है वो डिपेंड करता है कि आपका मेथड क्या है ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है आपने जो कल का लेक्चर था ना उसमें डिसीजन ट्री के से एंट्रोपी और और जिनी इंफॉर्मेशन गेन इसके लिए अगर कोई इंटरप्रिटेशन आसान बाद में बता कि एक तो सकेंशन जरूरी है कि इनको हम एक दूसरे से लैदा कैसे करेंगे मिक्स हो रही चीजें और इसकी कोई आसान सी इंटरप्रिटेशन जो नोटबुक हमने यूज की थी अगर उसमें से वो जो वैल्यूज आ रही है उनको इंटरप्रेट करके बता देंगे तो समझना आसान होगा

दही वगैरह जो भी आपने डाले सेपरेट क्लास में लेके जाते हैं।, उसकी कम होती जाएगी और हैं तो वो हैं। कितना है कितना अगर वो वन है तो इसका मतलब हाईली इम्प्योर है सारी क्लासेस मौजूद हैं अगर तीन निकल गई हैं दो बाकी बची हैं तो ये हो सकता है ट्वेंटी फाइव परसेंट इम्प्योर है इसी तरीके से जिन इम प्योरिटी जो है ये अगर पॉइंट फाइव है ना जिन इंप्योरिटी इसका मतलब है कि दो क्लासेस हैं और दोनों फिफ्टी फिफ्टी अवेलेबल है ठीक है हमारा मकसद ये होता है कि एक नोड में सिर्फ एक ही किस्म की चीज बचे क्लासिफिकेशन में ठीक है हो पॉइंट जी शाहिद वाले सर uh, मैंने ये पूछना था कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंसम्बल्स थे फाइनेंस हेल्थ केयर और ई कॉमर्स ये सर मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में भी हो सकता है और सेकंड क्वेश्चन ये कि सर आपने कहा था कि ये जो इनसेम्बल है एलग्रजम है ये जदीद न्यूरल नेटवर्क को टक्कर दे सकता है तो इसके बारे में सर थोड़ी सी अगर शॉर्ट ओवर दे दें एक अच्छा क्वेश्चन है और जदीद जो न्यूरल नेटवर्क्स है ना उनके लिए आपको बहुत हैवी सिस्टम चाहिए होता है ये तो आपको सभी को पता होगा नहीं पता तो कोई नहीं आने वाले दिनों में पता चल जाएगा क्योंकि न्यूरल नेटवर्क के अंदर हर एक डेटा पॉइंट की निटी ग्रिटीज को बहुत अच्छे तरीके से छान के वेट्स एंड बाइस वगैरह लेके आते हैं विच वी विल लर्न इन मैथमेटिक्स तो वही काम रैंडम फॉरेस्ट में होता है अब न्यूरल नेटवर्क की क्या खसूसियत होती है उसकी खसूसियत यह है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है जो लॉस आया है ना उसको वो कम करता है फिर जाता है फिर कम करता है फिर अगली इटरेशन में जाता है फिर कम करता है ठीक है सो एक पॉइंट ऐसा आता है कि इससे ज्यादा बेहतरी नहीं आ सकती न्यूरल नेटवर्क की थ्योरी में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रशन की अगर बात की जाए और वही चीज रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या होती है कि आप ओवर फिटिंग कोई कम कर रहे हैं ना या आप रोबस्टनेस लेके आ रहे हैं आपने क्या किया वेरियंस ही कम कर दिया स्टार्ट में आपने स्प्लिट ही ऐसे मारे कि वेरियंस कम हो गया सो देर आर केस स्टडीज के वहां पे रैंडम फॉरेस्ट अच्छा काम कर रहा है न्यूरल नेटवर्क अच्छा काम ही नहीं करता

कि न्यूरल नेटवर्क में कौन सा न्यूरल नेटवर्क अब एक बंदे के पास अगर कंप्यूटेशनल कॉस्ट हैंडल करने के पैसे हैं और वो न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करके रन कर सकता है आप वो पैसे भी बचा लेंगे रिसोर्सेज भी बचा लेंगे सेम काम आप बैगिंग या बूस्टिंग वाले एल्गोरिथम से ले सकते हैं एक्सजी बूस्ट और अडेप्टिव दो हजार बारह के बाद आए ठीक है अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये आपके एरर्स को और भी कम कर देते हैं

कि कैसे ये रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट अच्छा काम कर सकते हैं ठीक है और जी फरक भाई पूछूं अह डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है वो ये है मेरा क्वेश्चन है इसका ताल्लुक है द वे वी कोड तो अभी कुछ अह लेक्चर्स में आपने जो बेसिकली को पायलट है उसकी यूज करके कोड लिखना स्टार्ट कर दिया तो क्या हम लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो असाइनमेंट्स हैं जो नोटबुक हम बना रहे हैं

अब आप खुद देखें अगर को पायलट कोड भी लिख रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में इससे क्या हो रहा है जो मेरी टाइपिंग है या आपने टाइप करना है वो टाइम बच रहा है हमारा ठीक है अगर मैं एक ही नोटबुक कोड करना शुरू से एंड तक सिखाऊ ना तो डेढ़ दो घंटे एक नोटबुक पे लगे ठीक है वो टाइम बचा रहे हैं सेकेंडली आप भी ये काम कर सकते हैं लेकिन आपको समझ आना जरूरी है जिस बंदे को समझ नहीं ना आ रही कि मैंने ट्रेन टेस्ट सप्लिट क्यों किया है फंक्शन या क्लास अगर आई है तो इसमें मैंने किस तरीके से अन्य एस्टिमेटर डालने वो ना करे ये काम वो खुद से समझे पहले ठीक है क्यों रीजन ये है कि अक्सर अकात आपके पास को पायलट नहीं होता है. इंटरनेट नहीं है आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं और आपने कोई एप्लीकेशन पे काम करना है आपको कोडिंग आती नहीं है तो आप क्या करेंगे सो hmm. कोडिंग so, सीखना पहले मकसद है एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ पायलट को पायलट्स का मतलब है कि आप मेन पायलट है वो आपका को पायलट है ठीक है सो ये मेन लिटरल मतलब इसका यह है लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखा जाए आपको अगर कोडिंग समझ आती है थोड़ी बहुत भी आती है यूज को पायलट फ्रीली कोई मसला ही नहीं है ठीक है

क्योंकि एक होटल के अंदर टिप जो है वो सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था हमारे पास भी लाल भाई का तो रिग्रेशन के अंदर ये एल्गोरिथम अच्छे से ट्रेन होगा सो बेस्ड ऑन द डेटा ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है एंड हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द डेटा सेट ठीक है सो अगर मेरा मेन क्वेश्चन ये होगा कि मेल या फीमेल आ रहे हैं तो उस उस को पायलट को नहीं पता होगा कि मेरा मेन क्वेश्चन क्या है सो आई नीड टू एक्चुअली हैव दैट इन माई माइंड बाकी रही बात को पायलट को यूज करने की जीपीटी को यूज करने की हम पाकिस्तानियों का थोड़ा सा मसला ये होता है हम जुगाड़ू लोग होते हैं ठीक है वह काम तो चलाना है बस ठीक है चल जाए लेकिन जो काम चलाता है ना वो फिर भूल भी जल्दी जाते हैं अगर आपको कोडिंग याद होगी ना आपको हैरारकी पता होगी कि कैसे एक पूरा मॉडल डिजाइन करना है सेव कैसे करना है याद करें बेसिक नोटबुक मैंने स्टार्ट ही वहां से किया है कि यही हैरारकी है सिर्फ मॉडल चेंज होने है सो तो अगर आपके माइंड में वो चीजें बैठती हैं दैट वुड बी नाइस ठीक है लास्ट क्वेश्चन है जी आज का नाम नहीं लिखा हुआ पी लिखा हुआ है आई कैन नॉट से पी लेकिन प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बोलें नहीं आवाज बिल्कुल बहुत कम आ रही अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज़ आ रही है आप जी जी बोलिए प्लीज अच्छा ये पूछना था कि इसमें क्लासिफिकेशन uh, और ये क्लासिफिकेशन uh, और रिग्रेशन ये नोमरिकल डाटा पे uh, सिर्फ रिग्रेशन यूज होगी और क्लासिफिकेशन उसके लिए नोमरिकल डाटा के लिए नहीं कैटेगोरिकल डेटा जब आप प्रेडिक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन जब हम मेरिक को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। और आ, आ, डाटा जो हो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसमें आउटलायर्स तो रिमूव कर दिए जाते हैं लेकिन आ, मुझे एक यूनिक मीन चाहिए किसी भी रैंडम डाटे का अगर मैं उसके दस पार्ट भी करता हूँ तो वो मुझे यूनिक मीन और जिससे एरर खासा बढ़ जाता है तो ऐसी तकनीक है आपके जेन में जो अच्छा पहली बात तो ये है कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है डिस्टरबेंस हो रही मतलब आपकी आवाज़ आ ही नहीं रही बड़ा कान लगा के भी सुने भी कान में कितना लगाऊं मेरे कान में हैंड फ्री है ठीक है सो मैं कान लगा के भी सुनने की कोशिश की बट आई कुरस्टैंड लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आई आप ये पूछ रहे हैं कि डेटा में जब ज्यादा स्प्रेड हो उसका मेन जो है मुझे यूनिक चाहिए तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ क्या उसको सब सैंपल में डिवाइड कर दूँ और वट कैन आई डू फॉर दैट पहली चीज़ तो ये है कि डेटा आने के बाद ये चीज़ें स्टार्ट नहीं होती डेटा कलेक्शन से भी पहले स्टार्ट होती है कि आपने कैसे थॉट प्रोसेस किया है मेजरमेंट क्या कैसे की है उसमें एरर्स कहाँ कहाँ पे हैं बाइसनेस है, है कि नहीं है और जब आपके पास डेटा आ गया नाउ यू हैव टू स्टडी दैट अगर किसी डेटा का स्टैंडर्ड एवियशन बहुत ज्यादा हो ना तो वो डेटा वैसे ही सारे का सारा वो आउटलायर कहता रहेगा अगर आप पहला आउटलायर निकालेंगे वो दूसरे को आउटलायर कह देगा दूसरा निकालेंगे वो तीसरे को कह देगा क्योंकि उसका आई चेंज होता जाएगा सबसे पहली चीज है उसे स्केल करें उसका लॉग ट्रांसफॉर्म करें एंड देन यूज द यूनिक मीन ठीक है फिर वो उस पर काम करेगा और बकायदा लिखें कि ये डेटा ज्यादा सपरेट था इस वजह से हमने यूनिक मीन इसका लिया और यूजी ये यूजली ये जब बड़े मिलियंस ट्रिलियंस में बातें होती है ना इकोनॉमी की या किसी और जगह पे तब ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है कि वो क्या करते हैं डेटा को ये नहीं कहते कि वन हंड्रेड और उसके बाद थाउजेंड साथ में लगा दें यानी कि एक लाख को वो सिंपली आप उसको वन लाख बोल सकते हैं इसी तरीके से वन मिलियन को टेन लाख हो जाएगा ठीक है तो वो यूनिट छोटा कर देते हैं ताकि हमें नजर आ सके कहा कहाँ पे चेंजेस हैं दैट्स अ काइंड ऑफ स्केलिंग जब आप यूनिट को uh, छोटा कर लेते हैं या बड़ा कर लेते हैं राइट right जी यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है इसको ख़त्म करते हैं होपफुली आपको आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे स्टार्ट में काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया था तकरीबन मेरे पास यहाँ पे कोई आ, कह लें कि आठ नौ हज़ार लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था और अब आके आपको भी पता है कि हमारे पास कितने लोग बचे हैं पीछे आई डोंट केयर अबाउट द पीपल के वो आते हैं जाते हैं लोगों ने आना जाना है अगर आप अभी भी सही तरीके से रोजाना आते रहेंगे सीखते रहेंगे तो मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी अगले आने वाले दिनों में इनशाला इसको और भी हैवीली मैंने पढ़ाना है और रोजाना के लेक्चर भी डबल स्पीड से होंगे क्यों क्योंकि ये आपकी छुट्टियां चल रही हैं आई नो दैट और इन छुट्टियों के दिनों के अंदर आपको मशीन लर्निंग मैंने कवर करवानी है जो हमारा टास्क है और इन नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि ऐप डेवलपमेंट की तरफ मूव करें और साथ साथ मशीन लर्निंग को भी साथ रखें सो so, ये एक्साइटमेंट आपको होनी चाहिए सीखने की अदरवाइज बिलीव मी आप यकीन माने अगर एक्साइटमेंट मोटिवेशन नहीं है तो आप ये नहीं सीख सकते जो हम छः माह में कर रहे हैं ठीक है जी यहाँ तक मुझे इजाज़त दें और इनशाला फिर मुलाकात होती है